आखिर दुबई का प्रोजेक्ट दुबई वर्ल्ड क्यों फेल हो गया? पाम जुमेरा की ही तरह ये भी एक आर्टिफिशियल आइसलैंड था, जिसमें छोटे छोटे 300 आइसलैंड दुनिया के मैप के हिसाब से बनाए गए थे और हर आइसलैंड को एक एक कंट्री का नाम दिया गया था, जिस पर एक आइसलैंड की कीमत 112 करोड़ रुपीस से 375 करोड़ रुपीस तक थी, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स और बिजनेसमैन ने काफी दिलचस्पी दिखाई और लगभग 60% आइसलैंड 2008 में दुबई वर्ल्ड की ओपनिंग होने से पहले ही बिक गए थे। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद ये देखा गया कि दुबई वर्ल्ड के कुछ आइसलैंड समुंदर के नीचे जा रहे हैं, जिसके इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इन आइसलैंड को बनाने के लिए जिस जगह से समुंदर में से रेत निकाली जा रही थी वहां गड्ढे हो गए थे, जिसकी वजह से समुंदर की लहरों में काफी बदलाव आया और ये आइसलैंड डूबने लगे। जब ये बात मीडिया में फैली तो जिन लोगों ने इस आइसलैंड को खरीदा था उन्होंने अपने आइसलैंड पर डूबने के खतरे की वजह से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये आइसलैंड 14 साल बाद भी आज तक खाली है। इसको बनाने में दुबई के 14 बिलियन US डॉलर्स लगे थे। इतने पैसे में दुबई 9 बुर्ज खलीफा और बनवा सकता था।